जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एनटीपीसी न्यू रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें कि ऑल इंडियन कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। पर दोस्तों उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं पूरी जानकारी। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन एनटीपीसी लिमिटेड, एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका 1/2019 है। जॉब नेम यानी कि किन पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, तो माइन ओवरमैन, असिस्टेंट माइन सर्वाइवर, माइंस इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एंड माइनिंग सीडर। टोटल वैकेंसी इसके अंदर 192 निकाली गई है। जॉब लोकेशन झारखंड, ओडिशा एंड छत्तीसगढ़, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग इन तीन स्टेट के अंदर होगी, पर आप इसमें अप्लाई सभी स्टेट से कर सकते हो। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाया ईमेल। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि में आपको अप्लाइंग ऑनलाइन नहीं बल्कि ईमेल के माध्यम से अपना जो फॉर्म है वो भेजना होगा। आपको फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर करके स्कैन करके आपको दिए हुए ईमेल के ऊपर भेज देना है। और जो इसमें फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि रखी गई है वो 30 नवंबर 2019 है। ऑफिशियल वेबसाइट NTPC coalmines.in, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपको इस भर्ती के बारे में सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे, इसमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे तो देखोगे कि 4 अलग अलग एडवर्टाइजमेंट जारी किए गए। आप यहाँ पर इन एडवर्टाइजमेंट के अंदर देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद है, साथ ही आपको उस पोस्ट पर कितनी सैलरी दी जाएगी, ये भी आप यहां पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो आपकी एक एज लिमिट रखी गई है वो भी बहुत ही अलग है। अलग से मतलब है कि इसमें जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो 60 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 65 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से कम है वो लोग तो इसमें अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप इस नोटिफिकेशन को रीड करोगे तो आपको सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहां से मैं आपको बताता हूं, आयु सीमा, ऊपरी आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा, आवेदन की अंतिम तिथि तक 60 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो आपने यहां पर देख लिया कि इसमें फ्रेशर कैंडिडेट आवेदन नहीं कर सकते। और सभी पोस्ट के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है, आप यहां पर चेक कर पा रहे हो। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक देने वाला हूं ताकि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके प्रत्येक की डिटेल्स जान लो कि उसमें आवेदन करने के लिए आपसे कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी है। और जो आयु सीमा है वो तो सभी के लिए सेम रखी गई है। और यहीं पर दोस्तों आपको नीचे की तरफ आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां से डाउनलोड कीजिए, अगर इंग्लिश में करना चाहते हो तो यहां से कर लीजिए। और ये डाउनलोड करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म इन ईमेल के ऊपर भेजना होगा, जो कि मैं आपको अभी यहां पर बताने वाला हूं। अगर आप झारखंड स्टेट के लिए आवेदन करते हो तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके इस ईमेल के ऊपर भेजना है। अगर ओडिशा के लिए तो यहां पर, और छत्तीसगढ़ के लिए तो यहां पर। इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता भी नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपकी NTPC की लेटेस्ट भर्ती की पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज अब इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।